या ब्लैक फंगस का एक बहुत ज़्यादा आजकल भारत में भी और ओवरऑल ही काफ़ी डिस्कशन में है। तो होता है ऐसा, ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग कंडीशन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है। और जब भी कभी अगर कहीं किसी पेशेंट में मल्टीपल और या एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स हो तो उसमें भी ये हो जाता है। म्यूकर जो है कोविड की तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। जैसे इसको अगर कोई बोले कि पैंडेमिक घोषित कर दिया जाए या एक मरीज से दूसरे को खतरा है, म्यूकर के स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। और वजह डायबिटीज़ हो या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट हो, जैसे हमारे यहाँ एक म्यूकर माइकोसिस का मामला सामने आया है और उसी को हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं क्योंकि एनजीओ इन्वेसिव या फंगस होता है। इसके स्पोर्स जब कोई कमज़ोर मरीज़ है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस था, 900 इसका ब्लड शुगर लेवल था, कीटो एसिडोसिस नाम का इसको क्लिनिकल सिंड्रोम था। तो ये एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन रहती है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली म्यूकस म्यूकर के स्पोर्स आँख के कंजंक्टाइवा में या नाक के ज़रिए म्यूकोजा में या ENT इवन कान के ज़रिए ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं स्पोर्स और एनजीओ इन्वेजन तक करते हैं, जिसका मतलब कि ब्लड वेसल्स को भी इन्वेड करते हैं। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो इनके हाइफी आँखों में, साइनसिस में या फेस की बोन्स को या ब्रेन के अंदर चले जाते इससे हैं। लड़ने के लिए किस तरह के इंतजाम आपकी तरफ से फिलहाल किए जा रहे हैं? ये हमेशा से हमारे डॉक्टर एनकाउंटर कर रहे थे, ऐसी ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। मल्टीपल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स रहते हैं, कोई कैंसर ट्रीटमेंट पे है या कोई लंबा स्टीरॉइड किसी वजह से खा रहा है, तो उनमें ये इसमें होता है कि अंडरलाइन डिजीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले क्या वजह है कि पेशेंट इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में शुगर कंट्रोल ही सबसे ज़रूरी था या फिर कीटो एसिडोसिस ज़रूरी है या एट टाइम्स इसमें डिब्राइडमेंट या सर्जिकल एक्सीजन तक की आंख भी निकालनी पड़ती है या वो टिश्यूज जो इन्वेड हो चुके हैं उनका एक्सीजन भी करना पड़ता है। इलाज हो सकता है इसका और मार्केट में इसकी दवाई दस्तियाब है हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर? हाँ बिल्कुल, ये दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारी जैसे प्रोक्योरिंग बॉडी है JKMSEL और हमें कल ही ड्रग कंट्रोलर ने बताया ये सारी दवाइयाँ ज़रूरत पड़े तो उससे पहले ही प्रोक्योर करके रखी हुई है। मैम इसके अलावा व्हाइट फंगस की भी बात हो रही थी, व्हाइट फंगस के केसेस भी देखने को मिल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं, तो क्या वो उसके चांसेस भी हैं कि जम्मू में वैसे केसेस भी देखने को मिल सकते हैं? जब आप अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे फंगाई होते हैं। म्यूकर ब्लैक फंगस अगर बोलते हैं तो ऐसे ही एस्परजिलस नाम का फंगस है, ऐसी पेंसिलियम नाम का फंगस है, ऐसे ही कैंडिडिएसिस हो सकता है, तो बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हैं। इसमें एक मैसेज सिर्फ ये जाना चाहिए जनता को कि ये एक फंगस एक मरीज से दूसरे में नहीं फैलता, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे मरीजों को हमें आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो जाए तो अंडरलाइंग डिजीज़, वो मरीज़ किस वजह से इतना कमज़ोर हुआ कि फंगाई जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कर सकते हैं इसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिली और वो इसमें इन्फेक्शन कर पाए, तो इसमें शुगर कंट्रोल, अंडरलाइंग डिजीज़ का ट्रीटमेंट, यही सारी चीज़ें रहती हैं। एज के लोगों के लिए खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि हमें जैसे आपने जो भी बीमारियों के नाम लिए हैं पर्टिकुलर हर किसी एज के ग्रुप में हो सकती है, पर खासकर किस एज के ग्रुप के लोगों को खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है? जनरली स्पीकिंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स किसी भी एज में हो सकती है, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में जैसे बड़े छोटे बच्चे या बहुत बूढ़े लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, या किसी ने बहुत वजह से किसी वजह से ज़्यादा दवाइयाँ खाई या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट है या